सेंटर का है, ये सेंटर में लगेगा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट बेबी गोट फीडर जो है वो किस तरह बनाया, और इसमें जो है तकरीबन कितनी हमने सेक्शन दिए हैं, और कैसे बनाया, कितना टाइम लगा, ये सब हम आप लोगों को आज दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जो है वो बनाना सिखाएंगे बेबी गोट्स के, जो बेबी होते हैं उनको जो हम लोग हाथ से फीडर पिलाते हैं, तो उसका हम स्टैंड बनाएंगे और वो आप लोगों को सिखाएंगे कि स्टैंड किस तरह बनता है। ये हमने जो है कुछ स्ट्रक्चर बनवाए हुए हैं लोहे के, ये इस तरह से ज़मीन पे लगेंगे ऐसे साइडों पे, ये एक इस कॉर्नर पे लगेगा और एक जो है वो सेंटर में लगेगा, ये वाला सेंटर का है ये सेंटर में लगेगा, और इसी तरह का एक कोने में लगेगा। तीन इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके ऊपर जो है हम ये शीट रखेंगे, शीट हमने यहाँ पे सुराख बना दिए हैं, उसमें नट बोल्ट से इसको टाइट करके शीटों पे, और उस पर फिर हम बोतलें लगाएंगे, बोतलों में निपल सेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम पूरा स्टैंड जो तैयार होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं आपको बोतलें दिखाता हूँ, ये बोतलें हमारे पास कुछ, और ये हमारे पास बोतल है, इसके ऊपर हम निपल सेट करेंगे, निपल सेट करने के बाद हम इसको इसमें जो है वो सुराख करके इसमें फिर हम फिट करके फिर उसको हम स्ट्रक्चर पे लगाएंगे। ये निपल है बोतल की, ये निपल है, ये निपल बोतल के ऊपर ऐसे लगेगी, और ये ढक्कन से आर पार होगी, फिक्स होगी, ढक्कन हटाएंगे, इसमें दूध डाल के ढक्कन वापसी लगा देंगे, और इसको फिर हम ऐसे फिट कर देंगे, तो ये नीचे की तरफ जो है वो ज़मीन की तरफ बोतलें ऐसे फिट हो जाएंगी, ऐसे निपल आएगी और ऐसे बोतलें जो हैं वो फिट हो जाएंगी। और फिर अभी हम इसका ये नाप ले रहे हैं शीट का, नाप लेने के बाद फिर हम इसका बॉटल का जो साइज़ होगा उस हिसाब से कितना गैप रखना है वो नाप लेंगे, फिर इसको हम काटेंगे, इसमें गोल सुराख करेंगे, गोल सुराख करने के बाद फिर हम इसमें फिट करेंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे जब ये तैयार हो जाएगा, तो फिर हम आपको दिखाएंगे। इसकी अभी हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट करने के बाद इसमें हम सुराख करेंगे, सुराख करने के बाद जो है हम इसमें फिर बोतलें फिक्स करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तैयार होता है। तो दोस्तों, ये सैंपल के तौर पे हमने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इसके ऊपर हम प्लाई लगाएंगे, और प्लाई में सुराख करके हम बोतलें फिट करेंगे, और फिर उसको ऐसे जो है इसके ऊपर फिट करेंगे नट बोल्ट से, ताकि खुल भी जाए और बंद भी हो जाए। तो अभी मैंने आपको सैंपल के तौर पर बना के दिखा दिया है, अब मैं इसमें मार्किंग वगैरह करके जो है इसके निशान बना के फिर हम इसमें सुराख करके फिर इसको हम इसमें फिट कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हमने इस पर मार्किंग कर ली है, मेजरमेंट करके हमने फिर मार्किंग कर ली है, और हमने जो है वो हिसाब लगाया है कि एक एक सेक्शन में टोटल 11-11 बोतलें आएंगी, तो मतलब ये पूरा जो बनेगा स्टैंड हमारा वो 22 बोतलों का बनेगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप एक टाइम में 22 बच्चों को दूध पिला सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है, इसके ऊपर बस ये बोतलें इस तरह हैं, तो ये ऐसे जो इस पर उल्टी आ जाएंगी, और ये इसके नीचे फिट हो जाएंगी, और ये इसके ऊपर आ जाएंगे, और जब ये इधर लगेंगे तो ये हाइट के हिसाब से जो बकरी का बच्चा होता है वो आराम से उसको जो दूध पी सकता है, वो ये इस पर, ये हमने स्टैंड बनाया था, इसमें जब ये प्लाई फिट होगी और इसमें बोतलें फिट हो जाएंगी तो वो काफ़ी नीचे तक चली जाएंगी निपल के साथ। तो इसमें जो साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ ही रखा जाता है, ज़्यादा ऊंचा अगर हम करते तो वो दूध पीने में जो है मुश्किल होती। तो अभी ये हम बस इसमें मार्किंग करके होल करके फिर हम जब बॉटल फिट करेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये तैयार होता है और क्या इसके फ़वाद हैं। तो ये अभी हमने सुराख इसमें कर दिए हैं, ये कुछ इस तरह से सुराख आए हैं, और तकरीबन 22 सुराख टोटल आए हैं नीचे की साइड पे, और 22 आएंगे ऊपर की साइड पे। ये अभी काम चल रहा है इसका सुराख करने का, ये हमने कुछ 3-4 सुराख इसमें लगा दिए हैं, ये गोले जो हैं इस तरह का गोला निकलेगा सुराख करने के बाद,
और फिर इस तरह से वो सुराख होगा और उसमें फिर जो है ये बोतल ऐसे फिक्स हो जाएगी। तो अभी हम जो है ये ड्रिल मशीन है जिसकी मदद से हम सुराख कर रहे हैं। दोस्तों ये हमने बना दिया है, इसके आखिरी काम चल रहे हैं वो करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका फाइनल क्या हुआ, फिर वो करेंगे कलर वगैरह फिर दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों ये हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, तकरीबन 22 बोतलों का ये हमने जो है बेबी गोट फीडर बनाई है और ये हमने जो है कराची सिंध पाकिस्तान के अंदर बनाई है, नारेजो हाउस के अंदर बनाई है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन 2 दिन में तैयार हुआ है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फाइनल जो इसकी इमेज आई है वैसी आई है। इसमें हमने ये लोहे के स्ट्रक्चर बनाए ताकि ये हिले नहीं, झुले नहीं और गिरे नहीं, और इसमें हमने होल किए ताकि आसानी से फीडर निकाल के इसको रिफिल करके इसको वापस लगा दें। और जो है ये तकरीबन 11 एक सेक्शन में दिए हैं, 11 दूसरे सेक्शन में दिए हैं, 22 बोतलें टोटल आई हैं। ये हमने जो है 2 दिन के अंदर जो है वो तैयार किया है और बस ये इसकी फाइनल इमेज जो है वो इस तरह से कुछ बनी है। दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए नारेजो गोट फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मार्केटिंग के हवाले से अगर आप लोग को डिटेल लेनी हो या फिर गोट्स के हवाले से डिटेल लेनी हो दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300226395। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।